वी डिड सिंपल इंटरेस्ट येस्टरडे एंड टुडे आवर टॉपिक इज हायर परचेज. इट्स लाइक वेरी सिमिलर टू द सिंपल इंटरेस्ट. हायर परचेज ये हमारा सारा हो गया था. Oops, back, yeah. Higher purchase. अच्छा, हायर परचेज को पढ़ने से पहले मैं ज़रा अगेन दो बैनर्स दिखाता हूँ आपको. आप लोग ज़रा इसमें थोड़ा अजीब ही फील करेंगे, बट इट्स सोसाइटी में हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं. ओके जी, सी द वेरी फर्स्ट वन आई गॉट फ्रॉम द इंटरनेट इज़ द मोटरसाइकिल एंड द सेकेंड वन इज़ वी कॉल इट एज जहेज पैकेज. बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स पे जाएं. दीज ऑल आर काइंड ऑफ अ हायर परचेज थिंग. होता क्या है, लाइक आई वॉन्ट टू बाय अ मोटर बाइक और मेरे पास नहीं है पैसे. बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट वाली चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसमें मैं आपको बता देता हूँ. तो ये जो मोटरसाइकिल डीलर्स हैं, इन्होंने भी वही बैंक वाला काम किया हुआ है, दैट ओके इफ यू आर नॉट हैविंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट नो प्रॉब्लम वी विल प्रोवाइड यू द बाइक. बट डेफिनेटली हम लोग पर मंथ आप पेमेंट कर देना मुझे और बस एक थोड़ी सी डाउन पेमेंट रखेंगे एंड विद इन 12 मंथ्स आप पेमेंट करते रहें और इजीली आप जो है ना अपना बाइक ले लें. तो टिल दैट टाइम द बाइक इज़ एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ बैंक. जब मैं अपनी पेमेंट पूरी कर लेता हूँ तो फिर वो मुझे ट्रांसफ़र लेटर्स वगैरह सारी चीज़ें दे देते हैं. मैं उसके बाद अपने नाम पे करवा लेता हूँ. ठीक है, नाउ इट्स अ काइंड ऑफ अ सुपर स्टार ये हमारी कंपनी है. अब वो देखें क्या कह रही है. मोटरसाइकिल इन एडवांस ऑफ जस्ट 7,900. It means that I just need to pay 7,900 and I'll get a bike. It's kind of a very good thing. Even ये जो bikes हैं कि अभी I don't know price क्या होगी, maybe 55 above होगी, 55,000. I am getting this item which is worth of 55,000 in just 7,900. But इसके साथ साथ एक बुरी चीज़ भी इसके साथ अटैच है. That बुरी चीज़ is 7,900 तो पे कर दिया, लेकिन जो बाकी की किस्तें और वो जो सारा सूरत हाल है वो मेरी अमाउंट टोटल 55,000 की ये प्रोडक्ट को 70,000 में ले जाएगी. सो ये सारा प्रोसीजर हायर परचेज कहलाता है. ठीक है, सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाते हैं तो वो कहते हैं देर इज़ अ खसूसी जहेज पैकेज डील, देर इज़ अ बिग बैनर्स आउटसाइड एंड 0% एडवांस एंड आसान महाना एक साथ ही. अगर आप उर्दू पढ़ सकते हो तो ये मुझे ज़रा काइंड ऑफ अ वेरी फनी सा लगा, तो मैंने कहा चलिए ये भी ऐड कर लेते हैं. ना सी ये यहाँ पे अगर जहेज पैकेज 1,3205. ना आई गॉट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आई गॉट वॉशिंग मशीन, आई गॉट फ्रिज, आई गॉट लाइक दिस माइक्रोवेव एंड दिस LED विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी. मैं ये सारी चीज़ें उठा के अपने घर ले जाऊँगा, मुझे एक रुपया भी पे करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन क्या डील हुई है मेरी कि दैट आई हैव टू पे 3,205 rupees पर मंथ. अब वो पर मंथ कितना मैंने करना है वो डील में होगा कि भाई आपने 2 साल तक आपने ये पे करते रहना है या 3 साल तक. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी अब क्या मैं इसे कह सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इन हो रहा है हमारी सोसाइटी में. और कुछ हैं जो अप जो इसकी अप फ्रंट अमाउंट बनती है वो नहीं लेते. जो कॉस्ट करता है आपको बाइक उतने में ही वो आपको देते हैं. जिस तरह बैंक्स हैं, अब बैंक्स का जो क्रेडिट कार्ड वाला सिलसिला है उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं वो भी है, आपको इस तरह हायर परचेज का ऑप्शन देते हैं. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप फुलफ़िल कर लें तो वो आपको जिसके ऊपर मार्कअप प्राइस है वो नहीं होती. जो उसकी प्राइस है मार्केट में वही आपको पे करनी होती है. तो वो अपनी एडवर्टीज़मेंट इस तरह करते रहते हैं. वेल, आपको थोड़ा बहुत अब आइडिया हो गया होगा कि हायर परचेज का क्या है. हम लोग पाकिस्तान में से आसान एक साथ वाली जो चीज़ें वो जो किस्तों में हम लोग करते हैं, हायर परचेज इज़ एक्चुअली किस्तें. ठीक है, इनके क्वेश्चंस करते हैं तब हमारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ओके, फर्स्ट कम टू द डेफिनेशन. मैनी पीपल कैनॉट अफोर्ड टू पे कैश फॉर एक्सपेंसिव आइटम्स लाइक टेलीविजन सेट्स, फर्नीचर एंड कार्स, सो दे बाय देम ऑन अ सिस्टम ऑफ पेमेंट कॉल्ड हायर परचेज, जो अभी हमने पीछे इनमें देखा. On higher purchase, you pay a part of the price as a deposit and the remainder in a certain number of weekly or monthly installments. Interest is charged on outstanding balances. Definitely, मैंने जो deposit amount कर दी, अभी हमारे question करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि interest कहाँ charge हो रहा था.
It is useful to be able to work out what interest rate is being charged on hire purchase, as it is not always clearly stated. मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो डीलर्स होते हैं ये बहुत तेज़ होते हैं, वो हमें कह तो देते हैं कि पर मंथ इतना पेमेंट कर देना है एंड यू हैव टू पे टिल 3 ईयर्स और 4 ईयर्स। जब हम वो पूरी अमाउंट निकालते हैं तो वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है उसकी कॉस्ट प्राइस से। तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हायर परचेज में जब आप ख़रीदने जाते हैं तो अपना इंटरेस्ट रेट ज़रा कैलकुलेट करके देख लिया करें कि कितना रेट आपको वो चार्ज कर रहा है। वेल वी विल सॉल्व क्वेश्चंस एंड वहाँ पे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी दिस इज़ द फर्स्ट वन। द कैश प्राइस ऑफ अ कार वॉज $20,000, द हायर परचेज प्राइस वॉज $6,000 डिपॉजिट ओनली। ठीक है, अब हायर परचेज में मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम समवेयर अब्रॉड एंड आई नीड अ कार बट आई कैनॉट अफोर्ड इट। आई वेंट टू अ डीलर शॉप, ही सेड दैट ओके वी विल प्रोवाइड यू द कार विच इज़ एक्चुअली वर्थ ऑफ 20,000 बट यू नीड टू पे 6,000 एज अ डिपॉजिट अमाउंट, जो अभी आपने राइट नाउ कैश पे करनी है। 20,000 की चीज़ मुझे 6,000 में मिल गई, सी 6,000 डिपॉजिट एंड द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 700 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। ठीक है जी, यू हैव टू पे 6,000 एज अ डिपॉजिट एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट यू हैव टू पे इन द मंथली इंस्टॉलमेंट्स एंड योर इंस्टॉलमेंट इज़ लाइक $700 एंड इट विल कंटिन्यू टिल 2 ईयर्स। ठीक है जी, हाउ मच मोर देन द कैश प्राइस वॉज द हायर प्राइस। ठीक है जी, ये अब हम लोगों ने बताया हाउ मच मोर देन द कैश प्राइस वॉज द हायर परचेज प्राइस। So I know very well that the cash price of the car was 20,000. ठीक है, ये तो बात होगी, कैश प्राइस मेरे पास आ गई। अब मैं हायर प्राइस को ज़रा देखता हूँ। हायर प्राइस में आई डिपॉजिट, जो मैंने कैश डिपॉजिट कराया, सॉरी कैश डिपॉजिट इज 6,000 एंड द रेस्ट इज 700 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। सो 24 months are there in 2 years, so I need to multiply 24 with my per month installment, so it's a monthly installments calculation. So 24 into 700 is 16,800. Okay, and then I need to add them both. मेरे पास टोटल हायर प्राइस आ जाएगा, हायर परचेज की प्राइस 6,000 प्लस 16,800 22,800। सो दिस इज़ माई हायर परचेज प्राइस। तो कितना डिफरेंस है कैश प्राइस और हायर परचेज में? 2,800। सो आई जस्ट एक्सीडिंग अमाउंट अगर मैं यहाँ पे बता दूँ, सो एक्सीडिंग अमाउंट इज 22,800 माइनस 20,000। So I got like 2,800. That's it. This is the answer. ठीक है जी, इट्स अ काइंड ऑफ वेरी बेसिक क्वेश्चन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क क्वेश्चन। जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन बाइज अ कार फॉर 30,000 ऑन हायर परचेज। ठीक है, अ डिपॉजिट ऑफ 20% इज पेड एंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर द पीरियड ऑफ रीपेमेंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। वाओ, मुझे एक लफ्ज नहीं समझ आया। अच्छा, अ मैन बाइज अ कार फॉर 30,000 ऑन हायर परचेज। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। उसने गाड़ी खरीदी हायर परचेज के थ्रू, उसे पड़ी वो 30,000 की। ठीक है जी, हायर परचेज के थ्रू उसने जो गाड़ी खरीदी है वो उसे 30,000 की पड़ी है। अ डिपॉजिट ऑफ 20% इज पेड, इट मींस कैश डिपॉजिट कितना होगा? 20% ऑफ द अमाउंट, 20% ऑफ दिस वन, यही बात है। नो नो सर, इसका 20% 30,000 का। पढ़ो ना इसे। अ डिपॉजिट ऑफ 20% इज पेड
एंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द पीरियड ऑफ रीपेमेंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. द बैलेंस इज पेड इन 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. हाउ मच विल ईच इंस्टॉलमेंट बी? या यहाँ पे और हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है. उसने कहा डिपॉजिट ऑफ 20% इज पेड. 20% इज पेड किसका? डेफिनेटली इसी का 20% पेड होगा ना, और क्या हो सकता है? सर यहाँ पे अ मैन बाइज अ कार फॉर 30,000 ऑन हायर परचेज, तो 20% 30,000 है. उसने 30,000 की हायर परचेज पे गाड़ी खरीदी है पूरी. डिपॉजिट कितना किया है? 20% किसका? डेफिनेटली इस अमाउंट का. 30,000 की उसने पूरी वो हायर परचेज की प्राइस हमें बता रहे हैं ना, 30,000 में उसे पूरी गाड़ी पड़ी, ठीक है. जो कैश डिपॉजिट उसने पे किया था वो 20% ऑफ दिस अमाउंट पे किया था. तो कैश डिपॉजिट हम निकाल सकते हैं 20% ऑफ 30,000. 6,000 आता है. कितना आ रहा है? 6,000. ओके 6,000. इट मीन्स ही डिपॉजिटेड 6,000 एज अ कैश, ठीक है. लेते वक्त उसने जो फॉरन कैश रखा था वो 6,000 था. रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई? 6,000 तो कैश रख दिया, रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई? 24,000. 24,000. एवरीवन इज गेटिंग द क्वेश्चन? 30,000 पे उसने कार हायर परचेज के थ्रू खरीद ली. उसने आगे कहा कि 20% ऑफ 30,000 उसने कैश डिपॉजिट पे कर दिया था बिल्कुल एडवांस में. सो 6,000 उसने पे कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई? 24,000. ठीक है, अब ज़रा आगे पढ़ते हैं जो उसने किया. यहाँ तक तो पेड हमने कर दिया. एंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस. आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमने निकाल लिया ना 24,000, यही आउटस्टैंडिंग बैलेंस था. फॉर द पीरियड ऑफ रीपेमेंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. सर पर एनम क्या मतलब? ईयर पर ईयर यार, पर एनम मींस पर ईयर. ओके जी, उसने कहा 10% रेट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा इस अमाउंट पे कब तक? द बैलेंस इज पेड इन 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. इट मीन्स दैट 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का क्या मतलब है? वन ईयर होगा. जी बताए कोई, 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 1 ईयर होगा कि नहीं? 1 ईयर होगा. सर समय नहीं आ रहा. क्या समय? 1 ईयर होगा. 10% पर एनम कह रहे सर, और फिर 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कह रहे. सॉरी दोबारा पूछो क्वेश्चन, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही. सर वो पहले कह रहे 10% पर एनम, मतलब ईयर, मतलब एक साल में 10% डिपॉजिट करेंगे. टेन परसेंट पर ईयर, मुझे नहीं समझ आई तुम्हारी बात. तुम कह रहे हो 10% पर ईयर उसने करना है? देखो एक मिनट, ये इसका मतलब. यहाँ तक 24,000 तक तुम्हें समझ आ गई है बात, उसके बाद मैं तुम्हें कहानी समझाता हूँ क्या वो कह रहे हैं. 24,000 रिमेनिंग अमाउंट तो समझ आ गई है ना? यस सर. अब वो क्या कह रहे हैं, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा? 10% पर ईयर, ठीक है. जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसकी जो स्टेटमेंट है मैं तुम्हें पहले वो क्लियर करता हूँ, उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा? 10% पर ईयर. गॉट इट? मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा. मुझे पता है कि पी आर टी डिवाइडेड बाय 100 होता है इंटरेस्ट का फार्मूला. यही बात है? यस सर. तो रिमेनिंग अमाउंट इज माय प्रिंसिपल हियर, डेफिनेटली इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा ना. सो 24,000 इनटू व्हाट इज द रेट, दैट इज 10, और टाइम कितना? 10. एक साल
पर ईयर की बात कर रहे हैं ना, तो अभी हम एक साल लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब 24,000 इसका मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं कि एक साल में इंटरेस्ट बनेगा कितना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट विच विल जनरेट इन वन ईयर। तो अब मैं इसे ज़रा कैलकुलेट करता हूँ, ये भी कट गया, तो इट मीन्स दैट $2,400 एक साल में इंटरेस्ट जनरेट होगा, ठीक है जी। सर जी, अगर उसने एक साल से पहले डिपॉजिट कर लिया तो चार्ज नहीं है? एक साल से पहले डिपॉजिट करें तो क्या करूं? तो उसको 2400 चार्ज नहीं होगा? वो तो फिर क्वेश्चन ही डिफरेंट हो जाएगा ना। अभी तो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो डिफरेंट है। अगर वो तो फिर हमें क्वेश्चन डिफरेंट बनाना चाहिए कि अगर वो एक साल से पहले डिपॉजिट करा देगा तो ये कंडीशंस होंगी। वो फिर हमें डिफरेंट कंडीशंस देगा। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने सारी चीज़ करनी है। 30,000 गाड़ी हायर परचेज से परचेज कर ली, 20% इसका डिपॉजिट कैश हुआ, दैट वुड बी 6,000। 6,000 जब कैश हुआ तो रिमेनिंग अमाउंट बनी 24,000, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट बात ये की कि 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा पर ईयर, 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा पर ईयर। तो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया कि अगर एक साल में इंटरेस्ट चार्ज हो तो कितनी इंटरेस्ट अमाउंट बनती है, दैट इज 2400। अब मेरे पास अगर टोटल अमाउंट बनाऊँ तो कितनी रहेगी? रिमेनिंग थी 24,000, सॉरी, और इंटरेस्ट अमाउंट कितनी थी? 2400। तो इसका मतलब है 26,400 अब उसने पे करना है। 26,400 ये उसने पेमेंट करनी है विद इन वन ईयर, गॉट इट? देखो 6 तो वो डिपॉजिट कर चुका है, 24,000 रह गया रिमेनिंग। अब क्या हुआ कि इंटरेस्ट चार्ज हुआ रिमेनिंग अमाउंट पे 10%, दैट इज़ 2400। अमाउंट पीछे बच कितनी गई जो उसने पेमेंट करनी थी, दैट इज़ 26,400। अब वो पेमेंट कर रहा कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे है? 12। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब है कि पर इंस्टॉलमेंट उसे कितना पे करना पड़ेगा? 2400 डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड बाय 12, 2400 नहीं, 26,400 को डिवाइडेड बाय 12 कर दें। ये टोटल अमाउंट है जो मैंने पे करनी है, ठीक है। और उसने कहा कि 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वो पे करेगा। अब हमें नहीं पता मंथ में है या जो मर्जी है, हमने सिर्फ पर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। देखो ना, हाउ मच विल बी ईच इंस्टॉलमेंट्स बी, सो वी नीड टू डिवाइड इट बाय 12। क्या इसका आंसर आएगा? 26,400 डिवाइड बाय 12, 2,200। दिस इज माय आंसर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ा जनरल आपको ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। उसने एक साल के अंदर सारी गाड़ी को क्लियर करवाना है, ठीक है। टोटल इन वन ईयर ही हैज़ टू क्लियर हिज ऑल अमाउंट। और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हायर प्राइस की? यार किधर गया कर्सर? हायर परचेज में उसने कैश डिपॉजिट करवाया, रिमेनिंग मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं। कैश डिपॉजिट हुआ 6,000 और रिमेनिंग जो मंथली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट जो उसका रह गया था वो हुआ था 26,400 में, ठीक है। 26,400 उसका इंटरेस्ट अमाउंट है। इसका मतलब है कि 30,000 की गाड़ी उसे कितने में पड़ी? या अगर वो डायरेक्ट कैश दे रहा है गाड़ी खरीदने में। सर यार क्वेश्चन थोड़ा अजीब से लिखा है। क्वेश्चन मैं क्या करूं, रेस करके दोबारा समझाऊं सारा? बहुत लंबा काम हो जाएगा फिर। नो सर, ये पहली पहले जो लाइन है, अ मैन बायज अ कार फॉर $30,000 ऑन हायर परचेज, जी इसका समझ? ठहरो, वो लग रहा है कि वो उसने $30,000 खरीदी। हम सिर्फ यही वाला क्वेश्चन आज कर लेते हैं, यही बहुत इनफ है। मैं आपको भी दोबारा बता देता हूँ, रुके।
कार की वर्थ कितनी है? हम यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, हम हायर परचेज चेक कर रहे थे। कार की वर्थ कितनी है? अगर मैं जाऊँ ना बाहर ख़रीदने गाड़ी और मैं कैश उसे पे करता हूँ तो कार की वर्थ है 30,000, ठीक है? अगर मैं टोटल कैश पे करूँगा तो 30,000 में मुझे कार मिल जाएगी। बट उस बंदे ने क्या किया, उसने हायर परचेज के थ्रू गाड़ी ख़रीदी, उसके पास 30,000 नहीं था। अब जो डीलर है उसे कह रहा है कि अगर तुम हायर परचेज के थ्रू ख़रीदोगे तो 6% इस गाड़ी की कीमत जो है वो डिपॉजिट कराओगे एज अ कैश, सॉरी 6% नहीं 20%, 20% डिपॉजिट कराओगे कैश ऑन द स्पॉट जब ख़रीदोगे। यहाँ पे जब ख़रीदोगे तुमने इतने परसेंट कैश डिपॉजिट करानी है, और जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट, उस पर 10% मैं तुम्हें इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, ठीक है, फॉर वन ईयर, एक साल में मैं तुम्हें 10% इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट जो रह जाएगी। हमने कैलकुलेट क्या करना है कि उसने 12 मंथ्स में पर मंथ कितनी इंस्टॉलमेंट दी, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, क्वेश्चन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल जहन में रखें ताकि आगे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इन एक्चुअल द वर्थ ऑफ कार इज 30,000, अगर वो कैश पे करता है तो 30,000 में कैश पे करके तो वो गाड़ी ले सकता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो व्हाट ही डिड, जो वहाँ पे डीलर था उसने कहा कि जी आप हायर परचेज के थ्रू भी ले सकते हैं, बट देर आर टू कंडीशंस। नंबर वन कंडीशन इज़ यू हैव टू पे 20% कैश नाउ, 20% ऑफ दिस अमाउंट, जो भी 20% उस गाड़ी की वर्थ है उसका 20% अभी पे करना पड़ेगा। जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है उस पर पहली बात है मैं 10% इंटरेस्ट चार्ज करूँगा एक साल में, ठीक है, 10% इंटरेस्ट चार्ज किया वन ईयर के लिए, इंटरेस्ट चार्ज करके रिमेनिंग अमाउंट को ऐड करके हमने निकालना है कि पर मंथ वो कितनी इंस्टॉलमेंट्स दे रहा है, ठीक है, दिस इज़ द होल सिनेरियो। अब क्वेश्चन सॉल्व की तरफ आते हैं, कैश डिपॉजिट कितना करवाएगा, 20% ऑफ 30,000, 20% ऑफ 30,000 इज कितना हमारा निकला था, 6,000, ये उसे अभी पेमेंट करनी है। अब ये अगर जब उसने पेमेंट कर दी तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई, 30,000 माइनस 6,000, सो द रिमेनिंग अमाउंट इज 24,000। 24,000 पे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो, ये अब हमने फाइंड करना है इंटरेस्ट। ही इज चार्जिंग 10%, आई एम जस्ट यूजिंग द फार्मूला आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100 टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। 24,000 पे वो 10% चार्ज कर रहा है फॉर वन ईयर, सो आई एम गेटिंग 2400 ना, यही हुआ था, नहीं या 2400, सो द इंटरेस्ट अमाउंट इज 2400। अब टोटल अमाउंट कितनी मैंने उससे देनी है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, एक तो 24,000 देनी थी, ऊपर से इंटरेस्ट भी चार्ज हो गया 10%, कितना हो गया 26,400, यही बात हुई। नाउ दिस इज़ द अमाउंट आई नीड टू पे इन वन ईयर, मैंने से कितनी इंस्टॉलमेंट्स में ये चीज़ें पे, ये पूरी अमाउंट पे की, 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ये पूरी अमाउंट में 12 किस्तों में दूंगा, तो पर इंस्टॉलमेंट कितनी पैसे होंगे मेरे, पर इंस्टॉलमेंट, या सो यू नीड टू डिवाइड 26,400 डिवाइडेड बाय 12, सो ये मेरे पास आंसर आ रहा था 2200 आई थिंक सो जी। नाउ आई थिंक सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। ये भी हराम है जी, ये भी हराम है, डेफिनेटली इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। ये भी हराम है, इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, और
कुछ बीच में कंडीशंस इस्लामिक बैंकिंग की उन्होंने निकाली नहीं है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग वो डिस्कस, चल जब आप लोग इंशाल्लाह स्कूल ज्वाइन करेंगे तो मुझे याद कराना, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मुझे सिखाना, नहीं कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप जो हैं वो मेरे से सीख लेना, मैंने गलत बोल दिया। ठीक है जी, बस आज यहीं पर रखते हैं, लास्ट क्लास है, इतना कुछ स्टेमिना नहीं होता, सो